दोषी नहीं है, हम काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन हमें कोई काम करा के राजी नहीं है। जिसके अंतर्गत ना तो हमें कोई पैसा समय पे दिया जाता है और समय समय पे डराया जाता है, धमकाया जाता है, गाड़ी को हटा दिया जाता है। दिल्ली के छतरपुर के बूस्टर पंप पर दर्जनों टैंकर के प्राइवेट वेंडर दिल्ली सरकार और जल बोर्ड हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि बीते 8-9 महीनों से इनका पेमेंट नहीं हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड नई कंपनियों को टैंकर का टेंडर देने जा रही है, जिसके लिए इन्हें हरास किया जा रहा है। एक तरफ उनके पेमेंट को 8-9 महीनों से रोका गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की सप्लाई के लिए इन्हें दूर दराज के इलाकों में भेजा जा रहा है, जिसके कारण इनका प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। लगातार सरकार और जल बोर्ड के कई अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं मिला और आखिर में जाकर इन प्राइवेट वेंडर ने हड़ताल कर दिया। छतरपुर के इस बूस्टर पॉइंट से दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन हड़ताल के वजह से जिन इलाकों में सिर्फ टैंकर से ही पानी की सप्लाई होती है, वहां पानी की किल्लत शुरू हो गई है और आगे और संकट गहरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इन प्राइवेट वेंडर का कहना है कि दिल्ली सरकार ने गर्मी के दिनों में इनसे निवेदन करके पानी की सप्लाई तो करवा लिया, लेकिन पेमेंट आज भी बाकी है। जिस तरह से आप लोग हड़ताल पर कल से बैठे हुए हैं, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में दिल्ली वालों को पानी के संकट से जूझना पड़ेगा? बिल्कुल होगा जी, तो हमारे टाइम पे पेमेंट नहीं होगी, हमें परेशान किया जाएगा बार बार किसी चीज के लिए। हम दोषी भी नहीं है, उसलिए दोषी करा जाएगा। हम दोषी नहीं है, हम काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन हमें कोई काम करा के राजी नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाते हैं और हमें झूठे इल्जाम में किसी गुलम में चोर हैं, हम टैंकर माफिया हैं, हमें काम करा के देखो, हम काम करने दिया। चोर है, माफिया है, इतने सालों से तो आप ही लोग सप्लाई कर रहे हैं। अब देख लीजिए, जब कांग्रेस की भी सरकार थी तो आप ही लोग कर रहे थे, हम ही काम कर रहे हैं। माना थोड़ी कमी है, लेकिन सभी लोग वैसे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, हम काम करते हैं। हमारे गाड़ियों चेक कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं काम करने में, ये हमें बारी टाइम पे पेमेंट कराया जाए। और जो बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, उनको थोड़ा गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि इनकी जो गाड़ियाँ ड्राइवर चला रहे हैं, गाड़ी मालिक हैं, 1000-2000 आदमी की उनकी रोज रोटी छीनी जा रही है, ये गलत है। कितना दिक्कत होगा? बहुत दिक्कत होगा सर, आज तो दूसरा दिन है जी, कल से देखना जल बोर्ड में क्या हाहाकार मचेगा। क्या कल आप लोग जीके में भी प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, पूरी दिल्ली में करेंगे सर। आज मैरोली कर रहे हैं, कल जीके करेंगे, उसके बाद द्वारका करेंगे, गुड़गांव करेंगे, ओखला करेंगे, हर जगह करेंगे। इसके साथ ही जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों के टैंकर को लाने की बात कही जा रही है, उससे इनको आशंका है कि उनकी रोजी रोटी छिनने वाली है। एक टैंकर पर वेंडर मालिक, टैंकर का ड्राइवर और कंडक्टर, इन तीन परिवारों की जिंदगी चलती है। बीते कई महीनों से पैसा नहीं मिलने के कारण इन सभी के घरों की माली हालत खराब हो चुकी है। कौशल जी, आज आप लोग यहाँ पे हड़ताल पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या इसका वजह है कि दिल्ली सरकार द्वारा टैंकर जो ओनर है, हम लोग जो टैंकर चलाते हैं जल बोर्ड में, इनकी पूरी पूर्णता अनदेखी और इनके अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश, जिसके अंतर्गत ना तो हमें कोई पैसा समय पर दिया जाता है और समय समय पर डराया जाता है, धमकाया जाता है, गाड़ी को हटा दिया जाता है। और जैसे पहले एक बार पिछली सरकार के समय में 400 करोड़ का लगभग घोटाला हुआ था, उसी तरह से नई नई कोशिशें करती जाती हैं, जिसके अंदर बड़ी बड़ी MNC कंपनियों से ऊँचे रेट पे, जो हमारे से तकरीबन 4 या 5 गुना ज़्यादा होते हैं, उनसे गाड़ियों की सर्विसेज ली जाती है और हम जो कम पैसे में काम करते हैं हमें हटाया जाता है। और आज फिर वही कोशिश करी जा रही है कि बड़ी कंपनियों के लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं और हमें हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ना तो हमारी 9 महीने से कोई पेमेंट आई है। आज हम सब लोग कर्जा लेके अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं और जिसको कर्जे उतारने के लिए, हमने पेमेंट मांगने के लिए जब इनके पास जाते हैं, उल्टा डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आपकी गाड़ी पूर्णतः हटा दी जाएंगी। आज जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहा, हमने हर दरवाजे को खटखटाया, सब जगह लेटर दिए, जब उसके बाद हम यहाँ पे आज खड़े हुए हैं। नहीं तो पिछले 9 महीने से 10 महीने से हम जैसे तैसे अपना काम कर ही रहे थे। आज लगभग कितने टैंकर जो है वो आज स्ट्राइक पे हैं? सर, आज से नहीं, कल से तकरीबन 900 टैंकर हैं जो बिल्कुल खड़े हैं। दिल्ली में पानी नहीं पहुंच रहे हैं अनधिकृत लोनियों में, क्योंकि जहाँ पे पानी की सोनिया विहार की पानी की लाइन नहीं है, वहाँ पे टैंकरों की सप्लाई जाती है। कब तक रखेंगे आप लोग? देखिए, जब ये हमारे लड़ाई को, हमारी दिल्ली की जनता से लड़ाई नहीं है, ना सरकार से लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई, हमारी रोजी रोटी की लड़ाई। जब तक हमारी रोजी रोटी, हमारा अस्तित्व की गारंटी नहीं मिल जाती कि हमारे को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको करना है उनको निजीकरण करें, लेकिन निजीकरण के साथ साथ हमारा भी ध्यान रखें, हमारी गाड़ी को उसी रेट पर चलाया जाए और हमारा भी जो कॉन्ट्रैक्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, उसकी अवधि बढ़ाई जाए। ठीक है।
जब तक हम इस लड़ाई में अपने खड़े रहेंगे। इसके साथ ही इनका आरोप ये भी है कि पानी की सप्लाई के लिए इन लोगों ने लाखों रुपए बैंक से लोन लेकर टैंकर खरीदे हैं और आज पैसे नहीं होने के कारण एक तरफ प्राइवेट वेंडर पाई पाई को मोहताज है तो वहीं दूसरी तरफ बैंकों के लोन की किस्त लगातार टूट रही है। कुल मिलाकर इन वेंडरों ने कहा कि दिल्ली सरकार और जल बोर्ड इनकी मांगे मान ले वरना इनका हड़ताल अनिश्चितकाल चलेगा। फिलहाल वेंडर के मुताबिक पूरी दिल्ली में लगभग 900 प्राइवेट वेंडर हड़ताल पर है और अब जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा तब तक वो हड़ताल जारी रखेंगे।